डीजी एनजीएमए की तरफ से पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस आर्टिस्टिक वर्कशॉप में। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप कैसा फील कर रहे हैं ये विकसित भारत आर्टिस्टिक वर्कशॉप जो एनजीएमए बी में हो रही है? या मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन क्या है ना, आर्टिस्ट के लिए तो यहाँ ऐसा इवेंट्स हो जाएगा तो बहुत खुशी हो जाता है। क्या है ना, वो उनका वो अलग ही होता है वो एक्सपीरियंस, और उनका वो इवेंट्स के बारे में कलर्स पेंटिंग करने के लिए ये तो बहुत खुशी लगती है आर्टिस्ट के लिए। ऐसा इवेंट्स होना ही चाहिए बार बार, ऐसा हो जाएगा तो उनका फ्रेशनेस होता है आर्टिस्ट का, और थाट्स भी अलग ही होता है, इसलिए तो ऐसा इवेंट्स होना ही चाहिए। सर बहुत खुश हुआ मैं यहाँ आने के बाद, ये पेंटिंग भी कर रहे हैं और बहुत कलर्स और कॉन्सेप्ट में बहुत खुशी लगी मुझे। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कैसा फील हो रहा है विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनके, जैसा कि ये प्रोग्राम का मोटिव है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लगी सर। क्या है ना, वो ये इवेंट्स मुझे मिला है ना, ये मुझे बहुत खुशी लगी। क्या है ना, ये तो सभी को भी नहीं मिलता है, ऐसा बार बार नहीं मिलता है, तो मौका मुझे मिला है तो मैं बहुत खुशी से अभी काम कर रहा है पेंटिंग्स के बारे में। और मेरा पेंटिंग्स तो आर्टिस्ट के लिए क्या है ना, ऐसा जगह में बैठ के पेंटिंग करने के लिए तो बहुत खुशी मिलती है, घर पे पेंटिंग करते हैं वो अलग ही होते हैं। नहीं तो यहाँ आने के बाद, यहाँ ये सब लोग आ रहे हैं ना, इसकी वो सभी का वो टेक्निक्स और स्टूडेंट्स के बारे में और आर्टिस्ट के लिए बहुत खुशी लगती है सर। हमें तो काम इकट्ठा में काम करने का बहुत खुशी लगती है। हाँ सर। सर लास्ट क्वेश्चन इज, सर आपका ओपिनियन क्या है, एनजीएमए का क्या रोल होगा जब विकसित भारत हो जाएगा तब? एनजीएमए का है ना, तो सभी जगह पे ऐसा इवेंट्स होना चाहिए क्या आर्टिस्ट के लिए, ये तो बहुत ज़रूरी है काम है ये। क्या ना, अभी वो कोरोना होने के बाद आर्टिस्ट के लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या है ना, अभी वो उनके लिए तो ऐसा इवेंट्स हो जाएगा तो उनका भी ज़रा अच्छा सा पेंटिंग करने को इच्छा हो सकता है, और उनका माइंड में क्या है वो बाहर आता है। ये इवेंट्स तो बहुत खुशी लगते हैं सब आर्टिस्ट के लिए। मैं बहुत प्यार किया ये सब पूरा करने के लिए, मुझे बहुत खुश हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डूइंग दिस वंडरफुल जॉब। थैंक यू सर।